आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की घोषणा की, रेपो दर अब 6% होगी। उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने चुनावी बॉन्ड जारी करने संबंधी याचिका पर कल सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, नकुलनाथ छिंदवाड़ा और विवेक तनखा जबलपुर से लड़ेंगे चुनाव। और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे, अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने के लिए चुनावी बॉन्ड जारी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इस मुद्दे पर 5 अप्रैल को समुचित पीठ सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने इन न्यायालय में आवेदन देकर 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष इस योजना की अधिसूचना जारी की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित कानूनों में संशोधनों से राजनीतिक पार्टियों के लिए असीमित चंदा लेने के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने अपने निर्णय को सही बताते हुए कहा था कि इससे राजनीतिक दलों को पैसे के लेन देन में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर 6.25 से घटाकर 6% कर दी है। बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि ये फैसला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर को 4% के स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि रिवर्स रेपो दर भी कम करके 5.75% और बैंक दर 6.25 कर दी गई है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रिजर्व बैंक के 12 फरवरी के आदेश को निरस्त किए जाने से डूबे हुए कर्जों के बारे में उसे अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बैंक संशोधित आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित जायद मेडल पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये सम्मान राष्ट्रपतियों और राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान किया जाता है। श्री मोदी को यह पुरस्कार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दीर्घकालिक मित्रता और संयुक्त कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा का स्वागत किया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि इस घोषणा से वे बहुत प्रसन्न हैं। ये इस्लामिक देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों की शुरुआत करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव आया है। इससे लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज नई दिल्ली में उद्योग संगठन सीआईआई के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री जेटली ने कहा कि वर्ष 2024 तक देश का मध्यम और नव मध्यम वर्ग मतदाताओं का सबसे बड़ा वर्ग बन जाएगा। इसे देखते हुए राजनीतिक दलों और उनके घोषणा पत्रों को कड़े मानकों से गुजरना होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 12 और लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, दमोह से प्रताप सिंह लोधी, सतना से राजाराम त्रिपाठी, सीधी से अजय सिंह, जबलपुर से विवेक तनखा, मंडला से कमल मारावी, खंडवा से अरुण यादव, उज्जैन से बाबूलाल मालवीय, खरगोन से गोविंद मुजालदा, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, देवास से प्रहलाद टिपानिया को टिकट दिया गया है। पार्टी अपने 9 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वहीं भाजपा की ओर से 18 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने आज छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम की घोषणा भी कर दी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नियमानुसार 6 माह के भीतर विधानसभा का सदस्य चुना जाना जरूरी है। पिछले दिनों यहां से विधायक चुने गए दीपक सक्सेना ने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज आंध्र प्रदेश के नरसरावपेट और विशाखापट्टनम में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों कांग्रेस और तेलुगु देशम की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल के कालपेटा पहुंचकर वायनाड सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अनेक नेता इस अवसर पर मौजूद थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। नामांकन पत्रों की जांच का काम कल किया जाएगा, वहीं सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 115 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा। इस दिन गुजरात, गोवा, केरल, दादर और नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी की सभी सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14-14, उत्तर प्रदेश के 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, बिहार और पश्चिम बंगाल में 5-5, असम की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इस चरण में लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों के साथ ही गोवा विधानसभा की 3 और गुजरात की 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खंडवा जिला कलेक्टर विशेष कड़पाले के निर्देश पर जावर और मुंदी में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक हुई। इसमें सभी को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। खंडवा शहर में कुल्फी के ठेलों और पेयजल व्यवस्था के लिए नगर निगम द्वारा स्थापित प्याऊ पर भी मतदान की अपील युक्त बैनर लगाए गए हैं। वहीं छिंदवाड़ा में स्वीप अभियान के अंतर्गत सिमरिया कला, उमरनाला, जाम और एकल बिहरी गांवों में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया गया। इस अवसर पर मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलाई गई। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस और गोद भराई कार्यक्रमों में महिलाओं को मतदान का महत्व बताते हुए मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आकाशवाणी भोपाल अपने श्रोताओं तक लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरों को तुरंत पहुंचाने के लिए विशेष चुनाव बुलेटिन का प्रसारण कर रहा है। ये समाचार बुलेटिन कल 5 अप्रैल से मतगणना तक सतत रूप से जारी रहेंगे। ये विशेष चुनाव समाचार दिन में 11:55 से 12 बजे और शाम 5:05 से 5:10 तक प्रसारित होंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से पड़ताल के लिए प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल, आपका वोट आपकी सरकार नामक कार्यक्रम के जरिए परिचर्चा, लाइव प्रसारण और विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर समन्वयक विश्लेषण भी प्रसारित करेगा। लोकसभा चुनाव से संबंधित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार 9, 16, 23 और 30 अप्रैल तथा 3, 7, 9, 14 और 15 मई की रात 8 बजे से 8:15 तक प्रसारित होंगे। सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भोपाल स्थित समन्वय भवन में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की ओर से विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी और साहित्यकार सुरेश आचार्य ने पत्रकारिता के क्षेत्र में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के योगदान और मौजूदा परिवेश पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। खंडवा में भी इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर लोगों ने पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान का स्मरण किया। प्रदेश के मौसम में लगातार बढ़ोतरी से गर्मी बढ़ गई है। राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। जबलपुर, दमोह, सागर, खरगोन, रतलाम और गुना में आज गर्म हवाएं चली। वहीं राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, खंडवा का तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस और गुना का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश के सभी 29 संसदीय क्षेत्रों में प्रचार रथ रवाना किए। प्रदेश कांग्रेस ने अपने कुछ विज्ञापनों को चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने पर एतराज जताया है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। उमरिया में चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की घोषणा की। रेपो दर अब 6% होगी। उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने चुनावी बॉन्ड जारी करने संबंधी याचिका पर कल सुनवाई करेगा। कांग्रेस ने प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। नकुलनाथ छिंदवाड़ा और विवेक तन्खा जबलपुर से लड़ेंगे चुनाव। और प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे, अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.